हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो अभी 24-25 के सेशन के लिए एंट्रेंस के जो फॉर्म है उनको आप कैसे फिल कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना और कब तक जो है उनकी लास्ट डेट है। इससे पहले जब इन्होंने जो एक शेड्यूल रिलीज किया था कि कौन कौन सी तारीख को जो है वो एंट्रेंस होगा कौन कौन से सब्जेक्ट का, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपको पता लग जाएगा जिस सब्जेक्ट का आप एंट्रेंस देना चाहते हो वो किस स्टेट को है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है और कब तक आप उसको जो है वो फिल कर सकते हैं। ये जो आपका नोटिफिकेशन है थोड़े दिन पहले आ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिनको अभी तक पता नहीं है कि किस तरह से एडमिशन फॉर्म को फिल करना है वो इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट है HPU एडमिशन की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जब आप उस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट जो इस पेज पे आ जाओगे जो पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप इस पेज पे आओगे यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर प्री एडमिशन एक्टिविटी फॉर द सेशन 24-25 एंड ऑनवर्ड्स। आपको यहाँ पे क्लिक करना है डायरेक्टली, ये इस तरह से आपके विंडो पे पॉप आउट होगा तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद इस तरह से आपका जो है वो पेज ओपन होगा। देन आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन, फिर जब आप अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन पे क्लिक करोगे तो देखो आप इस पेज पे आ जाएंगे और इस पेज में जो है आपकी सारी चीजें दे रखी है, डिग्री दे रखी है, कौन सी डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एडमिशन मेरिट बेस्ड पे है कि एंट्रेंस बेस्ड पे है, सारी चीजें दे रखी है। स्टार्ट जो है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया आपका, कुछ 22 को हुए हैं, कुछ 25 को हुए हैं, कुछ 23 अप्रैल को हुए हैं, मतलब अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट होना हुए हैं ये फिल होना। और कुछ की डेट अभी जून तक है, कुछ की आपकी मई तक है और कुछ की आपकी जो है वो 4 मई या 5 मई तक जो है दे रखी है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपका जैसे मान लो कि कोई सब्जेक्ट है, जिन भी सब्जेक्ट में आपने ये फॉर्म फिल करना है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो फिल कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले बीटेक की डिग्री के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, मेरिट एंट्रेंस दोनों बेस पे है और ये फॉर्म स्टार्ट हो गया आपका 22 अप्रैल से फिल करना। 30 यहाँ पे जून दे रखा है, 30 जून तक जो मेरिट बेस्ड रहेगा और 30 मई तक आप जो है वो एंट्रेंस बेस्ड के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब किसी सब्जेक्ट का आपने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना होगा कि उसमें क्या डिटेल दे रखी है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा आपने यहाँ पे क्लिक करना है, व्यू करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन आप जब करने वाले हो तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करके फिर अपना कैंडिडेट नेम सारी चीजें फिल करनी है। यहाँ पे नेम है हिंदी में, नेम, मदर्स नेम, देन बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एड्रेस, लॉगिन डिटेल आप भर सकते हो ताकि आप दोबारा जो है वो उसी नंबर से जो है वो लॉगिन कर पाए। इस तरह से आपको जो है इसको फिल करना है। देखो मैं आपको बता देती हूँ कुछ सब्जेक्ट का, यहाँ पे देखो LLB के लिए एंट्रेंस बेस, MBA का एंट्रेंस 10 मई तक इसकी डेट है, कुछ की डेट जो है वो 4 मई तक है। फर्स्ट मई ऑलरेडी हो चुकी है तो जिनकी 4 मई तक है और आपने अभी अगर फॉर्म नहीं फिल किया तो फिल कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि एक्सटेंड हो जाती है डेट, लेकिन अभी इनकी डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है पहले ही कि एग्जाम कब कंडक्ट होना है तो चांसेस कम है एक्सटेंशन के। इसलिए आप जो है वो टाइम से फिल कर दो ये जो भी आपका सब्जेक्ट बन रहा है। अब MBA में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है एंट्रेंस बेस्ड है सारे हैं और सबका लास्ट डेट जो है वो 4 मई यहाँ पे रखी गई है। 4 मई तक आप बहुत सारे एंट्रेंसेस को फिल कर सकते हैं। इवन यहाँ पे देखो MEd, MCom, MPed, MSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन सबका एग्जाम जो है वो 4 मई तक आपको जो है वो फिल करना है। यहाँ पे मैं आपको MSc बॉटनी का प्रोस्पेक्टस बता देती हूँ, इवन जूलॉजी का भी बता देती हूँ कि प्रोस्पेक्टस में एक्चुअल में क्या जो है वो चीजें एग्जैक्टली आपके पास दी गई है। यहाँ पे पूरा प्रोस्पेक्टस दिया गया है फॉर एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। MSc फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एक ही प्रोस्पेक्टस जो है इसका यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हो इस कंप्लीट प्रोस्पेक्टस को, शायद इसमें सीट्स जो है वो आपकी बताई गई होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले डिपार्टमेंट बताए गए हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है। लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए
देख लो सारे जितने भी एमएससी के एग्जाम है, एमए के एग्जाम है, वो 4 मई 2024 रखी गई। अब तब तक फॉर्म फिल कर लीजिए। डेट ऑफ एंट्रेंस जो है वो नोटिफाइड की जाएगी सेपरेटली, और ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जो है आ चुकी है, जिसमें जो है वो नोटिफाई किया गया है कि कब जो है वो एंट्रेंस लिया जाएगा। उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे दूंगी। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपका क्या रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर 4 रहेंगे, शिमला है, मंडी है, हमीरपुर है, कांगड़ा है। यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। फीस आपकी यहाँ पे बोली गई है ऑन एडमिशन के लिए, ये बोला गया है आपको 300 रिफंडेबल फीस देनी पड़ेगी। कुछ कोर्सेज के लिए है ये, सभी कोर्सेज के लिए नहीं है। कुछ के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी सिक्योरिटी बोली गई है, तो ये आपको उस टाइम देनी होती है। वो फीसेज यहाँ पे बताई गई है, एनुअल चार्जेस बताए गए हैं। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये मैं आपको बॉटनिंग से टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको डिटेल में देख लेना। अगर आपको देखना होगा कितनी फीस यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, किस तरह से लेती है चार्जेस, तो वो सब आप जो है वो देख सकते हो। ये फीस का यहाँ पे दिया गया है। देन आपके पास नेक्स्ट है, आपका यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी 22-24 क्रेडिट होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। देन इंफॉर्मेशन बोला गया है एडमिशन्स के रिगार्डिंग, एमएससी कोर्स फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंस कितनी कितनी सीट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिकल साइंस की बात करें केमिस्ट्री में, 40 सब्सिडाइज, 17 नॉन सब्सिडाइज, 3 इन सर्विस टीचर, 3 वार्ड्स ऑफ एचपी एम्प्लॉय, 1 सिंगल गर्ल्स हेड। मैथमेटिक्स की 45 सब्सिडाइज है। नॉन सब्सिडाइज का मतलब होता है कि पेड सीट्स होती हैं, ज़्यादा फीस लगती है कंपेरेटिव टू सब्सिडाइज सीट के। देन फिजिक्स की सीट्स 28 है, 20 नॉन सब्सिडाइज है। देन लाइफ साइंसेज में आप देखो बॉटनी में 15 सब्सिडाइज है, 10 नॉन सब्सिडाइज है। जूलॉजी में भी सिमिलर, इन दोनों में सिमिलर जो है सीट्स रहती हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपकी टोटल 30 सीट्स है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो 30 सीट्स जो है कंबाइंड एंट्रेंस के थ्रू आरसीबी फरीदाबाद जो लेता है वहां से भरी जाएंगी। 40 सीट्स जो है वो सिल्क के लिए है, विल बी फिल्ड थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई द एचपीयू। देन एनवायरमेंट की 10, 20 नॉन सब्सिडाइज, माइक्रोबायोलॉजी की 15, एंड 15 जो है वो नॉन सब्सिडाइज सीट्स यहाँ पे रहती है। सो ये जो है पूरी सीट्स के बारे में। अब आपको यहाँ पे एडमिशन का बेसिस वही रहता है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, देन एलिजिबिलिटी एमएड प्रोग्राम के लिए बीएड होनी चाहिए, बाकी उनके लिए भी एलिजिबिलिटी आप देख सकती हो। फिर यहाँ पे इंग्लिश में कितनी सीट्स हैं, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स बताई गई हैं। ये सोशल वर्क की सीट्स हैं, तो मैं प्रोस्पेक्टस आपको दे दूंगी, आप कंप्लीट जो है वो देख लेना कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे हैं। अभी आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए, फिजिकल एजुकेशन में एक्चुअली में एक फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है, सो फिजिकल टेस्ट की डिटेल भी यहाँ पे दी गई है, आप देख लेना इसके लिए। देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे चीज़ें, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे चीज़ें दे रखी है, कितनी सीट्स हैं ये दे रखा है, और किस तरह से आपको जो है वो फिल करना है फॉर्म को, वो भी आपको यहाँ पे जो है वो दे रखा है। मास्टर ऑफ कॉमर्स एम कॉम की यहाँ पे 40 सीट्स हैं टोटल, और 5 जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग में डाली गई हैं। तो टोटल आपकी सीट्स है, रिजर्वेशन का यहाँ पे रोस्टर बताया गया है किस तरह से फिल होती है रिजर्वेशन की सीट्स, ये सारी डिटेल है आपकी। देन उसके बाद हम ये आपको पता लगे कि कितनी कितनी सीट्स है कौन कौन से सब्जेक्ट में, वो आपने देख लिया होगा कि आप जिन जिन सब्जेक्ट में आपका होगा आप उसके अकॉर्डिंग जो है फीस फिल कर सकते हैं। पूरा प्रोस्पेक्टस है, हॉस्टल कैसा होता है, सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी है वो सारी यहाँ पे जो है वो आपको बताई गई है। सो आप गो थ्रू कर सकते हो इसको एक बार, मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। जो आपका टेलीग्राम चैनल है बॉटनी इनसाइट्स, उसमें जाके आप एक बार जो है वो इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना, प्रोस्पेक्टस को, और उसको जो है वो गो थ्रू कर लेना। बाकी फॉर्म आपको उसी तरह से फिल करने हैं जिस तरह से मैंने बोला कि आप क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। इस वेब जो वेबसाइट है, डायरेक्ट जो लिंक है एचपीयू एडमिशन वेबसाइट का, वो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। 4 मई लास्ट डेट है, तो आप उस दिन तक जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जिन भी लोगों ने फॉर्म फिल करना है उनके साथ आप जो है ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।